हेलो, गुड मॉर्निंग जय माता दी। क्या हाल चाल है? मुझे ना आज यूट्यूब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सही में मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया। मतलब ठीक है, पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, लेकिन मोमेंट्स लीड मत करो ना। तो यूट्यूब का पॉलिसीज है, मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब ने क्या किया मेरे साथ। यूट्यूब का पॉलिसी है, ठीक है, अपना अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का एक टर्म एंड कंडीशन होता है, हर चीज़ की पॉलिसीज होती हैं, लेकिन वो होता है ना, जहाँ पे समस्या होती है वहाँ पे समाधान भी होता है ना। तो उन लोगों को वो समाधान देना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब के अकॉर्डिंग यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रोसेस है वो है 4000 आवर्स। या तो आप लॉन्ग वीडियो से करो मोनेटाइजेशन के लिए, या तो आप शॉर्ट वीडियो से 10 मिलियन व्यूज करो। मेरा एक वीडियो 11 मिलियंस पे पहुंच गया है, तो मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ है वो उसी की वजह से हुआ था। तो मोनेटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पे नहीं करने आप मत करो, लेकिन जो स्ट्राइक्स हैं, जो कॉपीराइट क्लेम है, वो चीज़ से दिक्कत है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक कितने कॉपीराइट दिए, कितने मतलब कंटेंट को हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिलीट करो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने एक लास्ट वीक वीडियो पोस्ट करी थी पुचू के साथ, तो 2 मंथ बेबी रूटीन वाला, तो यूट्यूब को शायद वहाँ पर कोई चाइल्ड सेफ्टी को लेके कुछ लग रहा है, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया। क्योंकि मुझे बाद में पता चला, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, क्योंकि मैं उसको मसाज कर रही थी, उसका थोड़ा सा क्लिप था, तो उन्होंने मुझे मेल किया था कि हम लोग जो न्यूड कंटेंट है वो हम पब्लिश नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये सब रूल्स का, कि हाँ न्यूड कंटेंट आप नहीं पोस्ट कर सकते हो बेबी का, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको वो वीडियो एकदम से हटाना नहीं चाहिए। वो वीडियो अराउंड 1.6K व्यूज पे गया, उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर YouTube को रिमूव करना है, कोई भी कंटेंट अगर रिमूव करना है, तो पहले उनको, बहुत गर्मी हो रही है, अगर YouTube को कोई भी कंटेंट डिलीट करना है तो पहले YouTube को हम लोगों को, जैसे वो मेल करते हैं कि हमने ये डिलीट कर दिया, तो भाई जब कर दिया तब क्यों बता रहे हो? अब चिड़िया खेत ही चुप के चली गई है, तो फिर क्या फायदा है उस चीज का? तो पहले वो बताना चाहिए कि भाई ये हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है और आप ये चीज को अपने स्टोरेज में रख लो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको वो चीज को पब्लिश नहीं करना है आप मत करो, अगर आपको उसमें व्यूज नहीं देने आप मत दो, आपको मोनेटाइज नहीं करना है उस चीज को मत दो, आपको उसकी अर्निंग नहीं देनी है मत दो, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट मोमेंट्स खराब मत करो, वो चीज को डिलीट मत कर दो। हम लोगों को एक ऑप्शन दो, हम लोगों को एक मौका दो कि आप इतनी देर में वो चीज को डिलीट कर रहे हो और हम उस चीज को डाउनलोड करके रख लें अपने पास। तो ये है, मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है कि मतलब उनको बताना चाहिए कि हम ये डिलीट कर रहे हैं और आप ये डाउनलोड कर लो। क्योंकि पता है, आज फिर वैसा वाला फील हो रहा है, जैसे वो वाला फील नहीं हुआ था जब टिकटॉक बैन हो गया था, वैसा फील हो रहा है आज। चलो टिकटॉक तो आज भी चल रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर भी वीडियो अपने देख लेते हैं, पुराने वो मोमेंट खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो डिलीट ही कर दिया, वीडियो ही रिमूव कर दिया, तो उस चीज को इंसान कैसे देखेगा बताओ? लेकिन ये क्या मतलब बनता है भाई कि पूरा का पूरा 10 मिनट का, 11 मिनट का वीडियो उठा के आप डिलीट कर दो? ये बात मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। मेरा फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही मोनेटाइज है, ऐसा नहीं है, लेकिन फेसबुक में मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ अभी तक, काफी टाइम से, जब से मैं फीडिंग पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने हो गए, शायद 3 महीने तो हो गए, तो मैं एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक में। लेकिन फिर भी ये है कि मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी YT स्टूडियो का प्रोसेस है, एटलीस्ट हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी मैंने, हाँ, उसके बाद एक तो वो डिलीट कर दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जैसे हम लोग कोई वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो येलो साइन आप दिखा रहे हो कि वो उसमें कोई भी ऐड नहीं चलेगा, ठीक है, कोई ऐड नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें अब येलो साइन आता है कि उसमें कोई ऐड नहीं शो करेगा, वो फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, ठीक है, ऐड मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यू भी मत दो उसमें, व्यूज भी मत दो, लेकिन डिलीट करने का क्या सेंस बनता है भाई? पता है मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है सच में। मतलब एक मोमेंट होता है ना, मेरे को मोमेंट बनाने का बहुत शौक है। मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, पेन ड्राइव, हर एक चीज़ भरी पड़ी है, मेरे फोटोज, वीडियोस, बहुत पुरानी पुरानी वीडियो है। अगर मैं खुद की वीडियो देखने लग जाऊँ ना तो शायद मेरा पूरा दिन रात, मतलब 24 घंटे में आराम से निकाल सकती हूँ। मतलब जैसे होता है ना कि यार अब मैं अकेला हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक हफ्ते के लिए कोई अकेला भी छोड़ देना कहीं पर, तो मेरे पास ये नहीं होगा बोलने के लिए कि यार मैं बोर हो रही हूँ, या मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है लाइक घूमना फिरना कुछ देखना। मैं अपनी वीडियो देख के ही टाइम निकाल लेती हूँ। मतलब कभी मुझे टाइम मिलता है पूरा दिन पूरी रात कहीं ट्रेवल कर रहे हैं कुछ, तो मैं अपनी पुरानी वीडियो ही देख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज से 4 साल पहले, आज से 3 साल पहले की वीडियो देखना। तो मोमेंट से मुझे बहुत अटैचमेंट है, मोमेंट से मुझे बहुत अट्रैक्शन है। और YouTube में डिलीट कर दे, इवन मेरे फ़ोन मेरे बच्चे की फ़ोटोज से भरा पड़ा है। इन 2 महीनों में इतनी फ़ोटोज़, इतनी वीडियोस हैं उसकी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो कितना बड़ा हो रहा है, और मैंने शायद मोमेंट कैप्चर नहीं किए हैं, मैंने शायद मेमोरीज नहीं बनाई है। मुझे बहुत शौक है ये मेमोरीज मोमेंट्स का। जैसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के मेरे पास बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है शायद यार मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने मेमोरीज नहीं बनाई, मैंने मोमेंट्स नहीं बनाए। तो हम लोगों को एक अटैचमेंट होती है अपने मोमेंट्स से, अपनी मेमोरीज से, क्योंकि जो भी मोमेंट होता है वो अपने आप में स्पेशल होता है हम लोगों का। क्योंकि देखो जो मोमेंट आज है ना, जो मेमोरीज हैं, इंसान का तो क्या है, मेमोरीज ही तो रह के जाती है ना। तो जो मोमेंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वो डिलीट नहीं होने चाहिए। बात व्यूज़ की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, मोनेटाइज नहीं करना है, मत करो, व्यूज़ नहीं देने हैं, मत दो। मेरी यूट्यूब से बस इतनी रिक्वेस्ट है, आपको मोनेटाइज नहीं करना है, आप मत करो। आपको व्यूज़ नहीं देने, आप मत दो। आपको पैसे नहीं देने, आप मत दो। एक रुपया नहीं चाहिए हमें आपका, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी कंटेंट अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, वो हमारी गलती है कि वो फ्रेंडली नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम लोग आपकी टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ हैं, पर ठीक है, हर कोई इंसान भगवान नहीं होता है। मतलब भगवान तो भगवान ही, इंसान तो कौन ही होता है, हर कोई तो क्या कोई भी नहीं होता है, लेकिन ये है कि हर इंसान को हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। तो हम लोगों को उस चीज़ का भी इतना नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ यूट्यूब को पसंद नहीं आ रही है हमारी, तो हम अपने अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यूट्यूब को एक नोटिस देना चाहिए कि ये कंटेंट हमारा फ्रेंडली नहीं है और हम इसको इतनी देर में रिमूव कर रहे हैं, विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर्स, तो वो टाइम के अंदर आप इसको डाउनलोड कर लो, आप इसको सेव कर लो, वो ऑप्शन हमें मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप सीधा वीडियो ही उड़ा दो, वीडियो डिलीट ही कर दो, इसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मोमेंट्स होते हैं, एक मेमोरीज होती हैं, एक अटैचमेंट होती है वो चीज़ के साथ। सही में बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, मेरी वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, वो भी मेरे बच्चे की वीडियो डिलीट कर दी। एक हमारे पहाड़ों की मेमोरीज थी, मोमेंट्स थे। यूट्यूब में छोड़ूंगी नहीं, रुक जाओ, जब मैं बड़ा होंगी ना तो मैं बहुत मारूंगी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। और बाकी हाँ, आप लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज होगा, अगर कोई भी ऐसा इंसान मेरी वीडियो देख रहा है जिसको ये चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना, मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, मैंने इंस्टा लिंक दिया है। जो भी आपको, जहाँ से भी अगर कोई कांटेक्ट में है तो मुझे कांटेक्ट करना, जो जैसे भी जिसको नॉलेज होगा तो मुझे ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, मुझे ये फ्रेंडली कंटेंट के बारे में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाय बाय, जय माता दी।